हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पे सोशल साइंस की क्लास है। काफ़ी दिन बाद हो रही है क्योंकि एक के बाद एक क्लास हो रही है, तो जैसे टाइम इंटरवल आ रहा है मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ। परेशान नहीं होएगा आप, बस 8 बजे का टाइम ध्यान रखें कि 8 बजे क्लास होगी। नहीं होगी तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगी, ठीक है? फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम नहीं वेस्ट करते, टाइम बहुत कम है। ध्यान रखिएगा कोर्स को, थोड़ा जल्दी जल्दी करने में मदद करिए क्योंकि है बहुत कुछ बचा हुआ है। वो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चीज़ों को ध्यान से जब पढ़ा रही हूँ तो क्लास को एकदम पेशेंस के साथ सुनिए, समझते हुए चलिए। जो गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में हुई हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करिए, यही आपकी समझदारी है, ठीक है? आप यहाँ पर शानी का साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए आते हैं उनका स्वागत है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी, लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की और बताया आपको। आज हम यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको जो है मंडल के बारे में बताया था पूरा, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लेन भी की थी सही तरीके से, जो चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है? इनके बारे में यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले कुछ चीज़ों को और सुन लीजिए कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब ऐसा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आती है तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अंदरूनी अंदरूनी चीज़ जो अंदर से हो, जो आंतरिक हो। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो पृथ्वी का धरातल है, जो पृथ्वी जो एक पृथ्वी का स्वरूप आपके सामने दिख रहा है, जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं या जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसकी जो आंतरिक अवस्था है वो और जो संरचना है वो एक आंतरिक संरचना का निर्माण विशेष विशेष चीज़ों को मिलाकर या विशेष विशेष कारणों से हुआ है, ठीक है? जैसे आंतरिक संरचना के बारे में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जितनी भी परत पाई जाती है उनकी मोटाई, उनकी डेंसिटी, उनका मास यानी कि मोटाई, घनत्व, द्रव्यमान, इन सब की सहमति को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं, बनी हैं। उसी के प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो विभिन्न स्रोतों से बनी हुई है मिलकर, या विभिन्न विभिन्न स्रोतों का वो बेस है, पिलर है, जैसे कि चट्टाने, जो रॉक्स होती हैं, ज्वालामुखी आप जानते हैं, वॉल्केनो आते हैं, तापमान है, टेम्परेचर है, दबाव है, प्रेशर है, डेंसिटी है, उल्काएँ हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय क्षेत्र में डिफरेंसेस विभिन्नता है। इनके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग सोर्सेज से जानकारियाँ मिलती हैं और इन्हीं को इसी बेस पे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले पैराग्राफ से जो प्रश्न अराइज होगा और आएगा वो ये पूछा जाएगा आपसे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनके विभिन्न स्रोत क्या हैं। तो आप ये सारे स्रोतों का नाम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक मार सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आंतरिक संरचना है वो कितने परतों में है, कितने परत में, कितने लेयर में पाई जाती है। तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम 3 लेयरों में पाई जाती है, ठीक है? क्या कहेंगे कि 3 लेयरों में, तो मैं आपसे पूछूंगी कि वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है। तो आप मुझे आंसर करेंगे कि पहली होती है क्रस्ट, मेंटल कोर, ये इंग्लिश में है। क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? भूपर्वती। मेंटल को हम प्रवार या मेंटल कहते हैं, प्रवार, और कोर को हम कोर या क्रोड कहते हैं। तो ये 3 है, इन 3 पर प्रश्न बनता है। ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या बातें बताने चल रही हूँ। प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है कि आएगा। चलिए यहाँ पर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोत जो हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि आपको प्रश्न आएगा, ये पक्का आएगा प्रश्न, कई बार आया भी हुआ है, ठीक है? चलिए एक सोर्स की जो बात हो रही है उसमें पहला सोर्स है प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं, इसके अंतर्गत ग्रेविटेशनल फोर्स, ज्वालामुखी, भूकंप शामिल होते हैं, जो प्रकृति की तरफ से रहते हैं, ठीक है? जिन्हें प्रकृति अपना रोल निभाता है, अपनी भूमिका को अदा करता है, वो प्राकृतिक सोर्सेस होते हैं और इनसे हमको जो है इंटरनल अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी जानकारी मिलती है, कुछ सोर्सेस हमें पता चलते हैं। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर है अप्राकृतिक सोर्स, जो नॉन नेचुरल है, जो नहीं नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या मैन मेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर है कि इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी को शामिल किया गया है, ठीक है? बहुत सारी यहाँ पर सकेंद्री परतों से बनी है, जो पृथ्वी जो होती है वो बहुत सारी सकेंद्री परतों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे लेयर्स इसमें फॉर्मेशन किए हुए, जब तक ये इतना बड़ा सा विशाल सा रूप लिया हुआ है, ठीक है? अब आइए इनके बारे में, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कैटेगरी है,
एक प्रश्न आता है कि परतों के निर्माण के दौरान जो भारी पदार्थ होते हैं उनमें से एक दो पदार्थों का नाम लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक के लिए ध्यान रखिएगा। तो आपको लिखना होगा कि लोहा यानी कि आयरन, निकल तत्व केंद्र की ओर, तथा हल्के पदार्थ यानी कि जैसे सिलिकॉन, ये जैसे यहाँ पे है स्पेस जरा भूल गई मैं, सिलिकॉन अल्मोनियम बाहर की ओर जमा होते हैं। जो परतें होती हैं, जो लेयर हैं, जो लेयर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को दी हुई हैं पृथ्वी के निर्माण में, तो उसमें लोहा आयरन और निकल जो है वो एकदम सेंटर की तरफ पाए जाते हैं, और ये हल्के पदार्थ भी लाइट वेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये मतलब ये जो यहाँ पर केंद्र में मिल गया, ये दोनों एकदम बीच में सेंटर पे, और बहुत सारे हल्के पदार्थ जैसे सिलिकन है, अल्मोनियम है, ये बाहर की ओर, जो ये अंदर की ओर होते हैं, ये दोनों बाहर की ओर होते हैं जो आउटर कवरिंग लेयर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि जो परतें ये भारी हो रही है वो इनकी प्रेजेंस के कारण हो रही हैं। आइए आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? हर चीज़ को सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, फिर खुद से एनालिसिस करिए, रिवाइज करिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये देखिए, उम्मीद है कि आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या है, देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ध्यान रखिएगा, फिगर इम्पॉर्टेंट है और फिगर आता है, फिगर आएगा। तो आप लेयरिंग देखिए कैसे डिवाइड है, सबसे आउटर कवरिंग पे भूपर्पटी, फिर यहाँ पे देखिए उसके नीचे की एक ऊपरी मेंटल, इसके नीचे निचला मेंटल, और ये आंतरिक क्रोड या कोर कह सकते हैं, ये इस कोर का बाह को एक्सटर्नल है। अब इसी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए निचला मेंटल ब्रा, ये इसी, ये यहाँ पर पूरा होल सर्किट में है और इसमें ये आधा आधा कर दिया गया है। देख सकते हैं इनकी गहराई, देखिए तो 35 किलोमीटर, 700, इनकी 2900, इनकी जो है 5400, इनकी 63 किलोमीटर। तो ये क्या है, ये एक आंतरिक संरचना है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहा है। ये तो फुल है, इसी में से केक के स्लाइस की तरह इसको काट करके निकाल के ये पूरा लंबाई मतलब ऊंचाई गहराई ये सब चीज़ें पूरी क्लियर करके बताई गई। तो इस फिगर को आप इम्पॉर्टेंट मान के ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ये प्रश्न आएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको करना होगा। चले बढ़े आगे, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले बात आती है वो है क्रस्ट। क्या है क्रस्ट, जिसको हम भूपटल या भूपर्पटी भी कहते हैं, तीन नाम है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अलग अलग बारी में अलग अलग तरीके से पूछ ले और आपको एक ही पता हो, इसीलिए तीनों नाम से अवगत रहिए कि आपको दिक्कत ना हो और आप बता ले जाएं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है वो है क्रस्ट। क्रस्ट की स्पेलिंग होती है CRUST। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ, इनसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आप ये कह सकते हैं क्रस्ट के बारे में कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह होती है उसको हम भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग नाम इसीलिए लिया हुआ बता दें, ताकि अगर अलग अलग मतलब पूछ ले, भूपटल पूछ ले तो आप कन्फ्यूज, आपने तो क्रस्ट पढ़ा है, भूपटल आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक बात इनके बारे में देखिए क्या है कि पृथ्वी की बाहरी सतह जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं उसको हम भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न बनेगा और आता है ये वाला कि भूपर्पटी क्या है या भूपटल किसको कहते हैं या क्रस्ट किसको कहते हैं। तो आपको एक नंबर अतिलघु उत्तरी में लेने के लिए कहना होगा, लिखना होगा कि पृथ्वी की अर्थ की जो बाहरी सतह है, जो आउटर कवरिंग लेयर है, वहाँ पर जहाँ पर ये महाद्वीप और महाद्वीप और महासागर प्रेजेंट हैं उनको हम भूपर्पटी कहते हैं या भूपटल कहते हैं, इंग्लिश में हम क्रस्ट कहते हैं। और इनकी जो संरचना है वो सियाल से बनी होती है। सियाल का मतलब क्या होता है, SI का मतलब सिल्का होता है, AL का मतलब अल्मीनियम होता है। इन दोनों के आगे का जो लेटर है इंग्लिश में उसी को लेकर सियाल बनाया गया। तो इनकी जो रचना है उनमें जो मेन लीडिंग रोल प्ले करता है वो ये दोनों पदार्थ होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके बारे में कुछ बातें रहती हैं, ध्यान से सुनिए कि ये जो लेयर होती है, ये जो क्रस्ट की लेयर के बारे में बात हो रही है, ये परतों से पतली होती है, दूसरी जो परतें होती हैं, दूसरी जो लेयर्स होती हैं उनकी मोटाई के हिसाब से ये पतली होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये पतली होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक यहाँ पर फिगर दिखाया था ना, ये मैं फिर से दिखा देती हूँ, इनकी गहराई देख सकते हैं आप, तो 35 किलोमीटर बताई जा रही है। कितनी, ये ऊपरी परत, ये ऊपरी परत आप भूपर्पटी देखिए एकदम ऊपर वाला, तो ये 35 किलोमीटर तक इनकी जो है गहराई है। समझ में आ रही है बात, कितनी है, 35 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर तो नहीं पूछेगा, किलोमीटर बड़े एग्जामों में आता है, लेकिन पहली परत है, अन्य परतों से ये पतली परत है, ये सब आपको विशेषता के रूप में लिखने को आ सकता है। एक बात और इन्हीं के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर, कि ये जो क्रस्ट वाली लेयर होती है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये
एकदम सबसे पहले ऊपर वाली होती तो होती है, लेकिन जो इसका बाहरी भाग होता है वो ना सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, अवसादी चट्टान जिसको कहते हैं, अवसादी पत्थर से बनी होती है। कैसे बनी होती है? अवसादी पत्थर, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते थे इंग्लिश में, कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अवसादी पत्थर कहते हैं कि ये इनसे बनी होती है। और इनका जो निचला भाग होता है वो ना बहुत वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे होता है? एसिडिक टाइप का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बता रही हूँ आपको, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, किस कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। कोई ऑप्शन आपको नहीं छोड़ना और अपना पूरा एकदम एकदम बेस्ट एकदम पूरा देना है, ठीक है? क्योंकि दिक्कत आपको हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, अभी मेरे पास वक्त है, मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ, तो सीरियस होकर अच्छे से सभी लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? आगे देखते हैं, दूसरा है, क्या है? मेंटल। मेंटल मतलब ये पागल नहीं, ध्यान रखिएगा, वरना मेंटल के बारे में लिखकर चले जाइए, ठीक है? देखिए, मैंने ऊपर दिखाया था आपको लेयर में, इनके बारे में कहा जा रहा है कि मेंटल या निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपको, पहला प्रश्न बन जाएगा कि मेंटल परत की जो लेयर परत होती है, निचली परत, वो किस चट्टानों से बनी होती है? तो आप बोलेंगे मैम बेसाल्ट से बनी होती है। ये परत सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है। जो लेयर होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं। मतलब क्या कि उसको ऊपर वाले को सियाल कहते थे, नीचे वाले को सीमा कहते हैं। निचली परत जो होती है वो बेसिक होती है। ये जो अब परत मैंने आपको ऊपर वाली बताई थी वो कैसी थी? वो एसिडिक थी ना, अम्लीय थी। ये क्षारीय होती है। इन इनकी जो परत होती है इसमें क्षारीय जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रधानता या उनकी अधिकता आप कह सकते हैं कि ज़्यादा होती है। और इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर निकलता है। तो लावा किस परत से निकलता है, ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तो आज यहाँ पे एक अच्छा की एलिमेंट आपको मिल गया। और बीच में इसीलिए मैंने लिया, अभी क्या आप इतना याद कर सकते हो अगर प्रश्न आता है। और क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ये परिभाषित करने को प्रश्न देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बात कही जा रही कि जो ज्वालामुखी से विस्फोट होता है, जो लावा निकलता है लावा, वो इसी परत से होता है, इसी परत के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप, प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको आसान तरीके से मैं समझाने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। आइए आगे साथ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन थर्ड है क्रोड, जिसको सीमा परत के नीचे की परत कहते हैं या तीसरी परत कहते हैं, अंतिम परत भी कहते हैं। ये निकल और आयरन, निकल यानी कि Ni, आयरन यानी कि Fe के प्रेजेंस में इनके अंदर ज़्यादा होती है, और इसलिए इसी परत को हम नीफे भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, सीमा, सियाल, निफे, तीन मैंने वो बताया। और यहाँ और क्या बताया मैंने आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या है, सीमा, सियाल, निफे क्या है। समझ में आई बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न आता है तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से बनाकर भी बहुत सारे आंसर कर सकते हैं। अब आइए इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न को भी ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा फिर आप मुझे यही कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं, करवाया नहीं, करवाऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन आपको डेली क्लास को अटेंड करना होगा टाइम पर, ठीक है? स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा जो स्क्रीन पर दिया गया है, स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है, इसमें कौन कौन से सोर्सेज इंक्लूड हैं? तो आप कहेंगे कि ऊपरी भूपटल, जो ऊपर का सरफेस है, जो ऊपर की लेयर है, निचली भूपटल जिसको हम मेंटल कहते हैं, और ठोस जो ऊपरी भाग है, जो मेंटल का ऊपरी भाग है। तो यहाँ पर किस किस से मिलकर बना है? तो तीन से मिलकर बना है, ऊपरी परत, ऊपरी जो सतह थी वो, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, भीतरी कोर, ये लिख सकते हैं, या भूपटी, मेंटल कोर, ये लिख सकते हैं। आंसर आपका उचित रहेगा, नंबर नहीं कटेंगे। दूसरा देखिए, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? एक सेकंड, जूम हो गया थोड़ा ज़्यादा। देखिए, स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो आप ये कह सकते हैं ये पृथ्वी की बाह्य सतह है, यानी कि सबसे आउटर कवरिंग लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्थल मंडल, ठीक है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट स्थल मंडल है? तो आप कहेंगे कि मैम 29% है। कितना है? ओनली 29% है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है? तो आपको सिंपल साधारण 71%। कितना है? 71%। तो क्लियरेंस के साथ चलिए कि प्रश्न कैसे आएगा और कैसे आपको आंसर लिख के एक नंबर को आसान तरीके से गेन करना, आंसर राइटिंग करने की कला को समझते हो। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग ने कमेंट किया कि मैम मैंने तो लिखा था, उम्मीद थी इतना नंबर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, या तो
मतलब जो भी रहा हो, बट ये है कि आप बस अब नेक्स्ट पे इतनी प्रयास करिए कि इतने अच्छे से लिखिए, इतने अच्छे से करिए कि आपके नंबर ना कटने पाए। फिलहाल आप सभी अपना बेस्ट तो देते ही हैं, बट कुछ यूनिक चीज़ को आप इंडिकेट करते हुए, हाईलाइट करते हुए, समझते हुए चलेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, भू पर बटी पर कौन सा तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो सबसे ऊपर की लेयर थी जिसको हम क्रस्ट कहते थे, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया? तो आपको यहाँ पर कहना होगा कि भू पर बटी की जो सबसे सबसे ज़्यादा प्रेजेंस या अधिकता होती है, वो होती है अल्मोनियम की। किसकी होती है? अल्मोनियम की होती है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, साधारण सा प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। प्रश्न आया हुआ है और बहुत सारे प्रश्न इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सिक्स देखिए, पृथ्वी के दक्षिण भाग पर कितने परसेंट, जो साउथर्न हेमस्फीयर है, जो साउथर्न साइड का एरिया है, वहाँ पर कितने परसेंट पानी है? तो आप कहेंगे 81% पानी, पूरा पानी ही पानी। आप देखो ऐसा इंडिया का मैप यहाँ पर ऐसे ऐसे बना के हुआ है, इसके नीचे क्या है? पूरा पानी पानी भरा हुआ है ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। लेकिन फिर भी ये हेमस्फीयर तो यहाँ बटा होता है लगभग, ठीक है। उसके बाद ये साउथर्न होता है, ये नॉर्थर्न होता है, बताया था ना हेमस्फीयर पूरा अच्छे से बताया है, ये पूरा देख लीजिएगा। ये इक्वेटर लाइन होती है, ये नॉर्थर्न हेमस्फीयर, साउथर्न हेमस्फीयर होता है, 23.5 डिग्री ये सब ना बटा होता है, ये कर्क रेखा वाला, ये मकर रेखा वाला। ध्यान रखिएगा, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में था, लेकिन शायद सेकंड में भी कुछ चीज़ें हैं तो बता दे रही हूँ। सेवन था, यहाँ पर है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के जो सेंटर में चुंबक अट्रैक्शन का जो एक गुण है या चुंबकीय पदार्थ है, तो वो है निकल। कौन सा है? निकल, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तर है यानी कि नॉर्थन हेमस्फीयर, गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमस्फीयर, पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी? तो आप कहेंगे कि मैम 61% है। कितनी है? 61% है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है पृथ्वी का। नाइन्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंदर का ठोस क्रोट किसका बना? पृथ्वी का अंदर का जो इंटरनल एकदम पार्ट है वो किस क्रोट का बना हुआ? तो आप कहेंगे कि शुद्ध लोहे का बना, एकदम प्योर आयरन को लेकर बनाया गया है। नेक्स्ट है टेंथ, देखिए यहाँ पर इसी के साथ दिया गया है, पृथ्वी की तीन केंद्रीय परत के से ऊपरी परत का नाम बताना है। पृथ्वी की जो तीन केंद्रीय परत है उसमें ऊपर से दूसरी जो परत है यानी कि जो दूसरी लेयर है उसका आपको नाम बताना है। तो वो क्या है? सीमा है, ठीक है। वो क्या है? सीमा है, जिसको आप क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीन परत है, तीनों परतों के नाम को क्रमवाइज याद रखिएगा, उनके बारे में प्रश्न आता है। फिर 11th क्वेश्चन भी इसी के साथ दिया गया है, देखिए पृथ्वी की सबसे मोटी परत किसको कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं। बीच की जो परत होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको टोटल आज की क्लास में यहाँ पर क्या करवाया, 11 प्रश्न करवाया। आज की ये क्लास यहीं तक, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल, लेकिन क्लास को नहीं रोकेंगे क्योंकि कोर्स जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। फिर आप मुझे कहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ऊपर कहने का कोई मौका आपको नहीं देना चाहती हूँ। आप डेली क्लास को 8 बजे अटेंड करिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ ले। क्लास देखिए रिकॉर्डेड हो या लाइव, थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं जिसके वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ इस बीच, लेकिन आपको क्लास मिलनी ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैं लाइव रहूँ या ना रहूँ, वॉइस मेरी ही है, मैं ही रिकॉर्ड करके आपको टाइम पर पंचुअल कर रही हूँ ताकि चीज़ें छूट ना जाए, आपके जो काम है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। यही मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर समझ में आया और अच्छा लगा है, आप इंटरटेन हो पाए हैं, कुछ चीज़ें जानने को आसान मिली है, सरल शब्दों में मिली है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल के दिन पे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।